नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीन पत्ती की, नहीं गंजीफा पेंटिंग की, जो कि एक गेमिंग कार्ड आर्ट है। इट्स एन एंशियंट इंडियन कार्ड गेम जो बेसिकली मुगल्स के टाइम पे इंडिया आया था। गंजीफा जो वर्ड है वो पर्सियन वर्ड है, जो पर्सियन वर्ड था वो गंजीफे था, जिसका मीनिंग होता है प्लेइंग कार्ड्स। स्पेशलिटी ये है कि ये सारे कार्ड्स हैंड पेंटेड होते हैं और यूजुअली सर्कल शेप में ही होते हैं। मैसूरू गंजीफा जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर था वो रॉयल फैमिलीज के लिए बनते थे, जिसका मेन मकसद होता था धर्मशास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना और अपने आने वाले जनरेशन को उसके बारे में बताना। तो ये सब 18 तरह के गेमिंग सेट बनाए जाते थे, मतलब टोटल 120 कार्ड्स होते हैं एक सेट में, और उसमें उसके अंदर भी 18 सेट गेम सेट किए जाते हैं। बेसिकली इसमें हिंदू देवी देवताओं उनकी कथाएं और श्लोकों का वर्णन होता है, जैसे कि रामायण, महाभारत और दशावतार। तो ये हो गए इनके मोटिव्स। कलर्स एज यूजुअल ब्राइट कलर्स और नेचुरल, ऑल नेचुरल कलर्स आर यूज्ड, सो रेडीली अवेलेबल होते थे उन्हें वो इस तरह से कलर्स, हल्दी सिंदूर वगैरह सब रेगुलर कलर्स। ब्रशेस जो होते थे वो गिलहरी के बालों के ब्रश से पेंटिंग करते थे। और साइज़ की अगर बात करें तो इतने छोटे की हथेली के अंदर 7-8 कार्ड्स आ जाएं, और बड़ा इतना कि पूरा दोनों हाथ को मिला के पूरा ना पड़े। तो प्रोसेस की अगर बात करें तो पहले इसमें बेस की आउटलाइन करते हैं, फिर बेस करते हैं कलर, उसके बाद आउटलाइन, और उसके बाद कलर फिल होता है। बाद में राजा महाराजाओं की पोर्ट्रेट भी बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। जब सुंदर सुंदर पेंटिंग्स देखी तो बड़े बड़े पेंट पोर्ट्रेट बना के दीवारों पर भी फ्रेम करके लगाने लगे। तो जैसे कि मैंने बताया, ये टोटल नंबर जो होते हैं कार्ड्स को 120 होता है, और सब अलग अलग तरह के पिक्चर्स होते हैं उसमें। तो माइथोलॉजिकल कार्ड्स के साथ साथ बाद में राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट भी बनने लगे, और अलग अलग नाम दिए, जैसे दशावतार गंजीफा, रामायण गंजीफा, राशि गंजीफा, जिसमें कि 12 कार्ड्स होते हैं, 12 राशियों के कार्ड्स, 12 कार्ड्स। और अष्टमल गंजीफा, जो कि 8 पहलवान, जिनका कि भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ था, उनके भी अलग अलग 12 कार्ड्स, 8 कार्ड्स। तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशंस को लेके अलग अलग कार्ड्स, ये है दशावतार गंजीफा। तो इस तरह से ये बनते थे अलग अलग तरह के गंजीफा, अलग अलग तरह की पेंटिंग्स, जिन्हें रिस्टोर करके रखा जाता था अपने आने वाली जनरेशन के, उन्हें दिखाने के लिए कि 120 कार्ड्स में पूरी रामायण की पूरी स्टोरी आ गई, महाभारत की स्टोरी आ गई, दशावतार वर्णन आ गया सारा। और इस तरह से बाद में थोड़ा सा बड़ा, ये देखिए कार्ड्स इस तरह से स्टोर किए जाते हैं बॉक्सेस में, इस तरह से बॉक्स होता है, उसके अंदर ये पूरे के पूरे कार्ड्स स्टोर करके रखते थे सेफ रहें ताकि बाद में। तो फिर बाद में राजाओं का, उनके हाथी, घोड़े, मोर, ये सब चीज़ें भी बनने लगे गंजीफा पेंटिंग में, और धीरे 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 करके ये नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स की तरह इसमें भी राजा और उनके वजीर बनने लग गए। मतलब लाइक तो इसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि ये गेमिंग कार्ड्स से गेम्स खेलते थे इससे। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें जैसे राजा रानी और महाराजाओं के पोर्ट्रेट्स बनने लगे, वैसे ही इन प्लेइंग कार्ड्स में भी राजा और वजीर वाले कार्ड्स, जो कि आज के प्लेइंग कार्ड्स का बेसिक रूप है, उस तरह से ये गंजीफा कार्ड बनने लगे। और भगवानों के कार्ड्स तो ऑलरेडी इसमें थे ही, आजकल इसको एक मॉडर्न रूप में बनाया जाता है वॉल पेंटिंग की तरह, पर शेप अभी भी इसकी सर्कल ही रखी जाती है। मतलब कैनवास अगर लेना भी है तो उसमें, या फिर आप टेराकोटा का पीस ले लिख के, या इस तरह का कुछ भी, मतलब अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह में सब जगह मिलते हैं सेरामिक या टेराकोटा के या कैनवास पे, इस तरह से सर्कुलर शेप में
अलग अलग डिज़ाइन, हाथी, घोड़ा, मोर, दशावतार के कोई भी स्वरूप जो आपको चाहिए सब मिल जाता है, सब हैंड पेंटेड विद ब्राइट कलर्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है गंजीफा पेंटिंग मैसूर कर्नाटक की। तो आशा करती हूँ आपको गंजीफा पेंटिंग, जो कि एक गेमिंग कार्ड आर्ट है, जो कि प्लेइंग कार्ड्स होते थे, वो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और पसंद भी आया होगा। कल आपसे मिलती हूँ एक नई पेंटिंग के साथ। नमस्कार।